पुल आउट जो स्ट्रेटेजी होती है वो हमारी चलती है जब हमारी एग्जाम फाइनल एग्जाम आने वाली होती है, जब हमारी पर्टिकुलर निर्माणात्मक कक्षा होती है तब हम कहते हैं उसको पुल आउट। यानी पुल आउट स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए रहती है जिनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, यानी वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा हम बाहर ले आते हैं, बाकी जो सामान्य बच्चे हैं जो पूरी क्लास है उससे अलग ले आते हैं और उनकी स्पेशल क्लास बनाती है और उनको अलग से पढ़ाती है। टेलर टीचिंग, टेलर टीचिंग से क्या मतलब है कि हम जैसे कि एक ही टाइप का कपड़ा हर बच्चे को फिट नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को फिट नहीं होता है, हर व्यक्ति की फिटिंग अलग अलग होती है, किसी को एक्सेल आ रहा है, डबल एक्सेल, 38-40 नंबर, तो ऐसे जो बच्चा होता है ना उसको अलग अलग टाइप का मटेरियल वो समझ पाता है। एक जैसा आप पढ़ाएंगे तो हर बच्चे को एक सा समझ में आएगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए टेलर टीचिंग की जाती है। तो जो रेमेडियल टीचिंग में हम करते हैं अलग अलग बच्चे को अलग अलग ले लेते हैं, हो सकता है कि किसी को अनसीन मैसेज अच्छे से कर लेता हो जैसे इंग्लिश की बात करें, या हो सकता है किसी को याद करना आसान हो तो वो उसको हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद करा लेते हैं। तो ये निश्चित है कि जब हम इसको पुल आउट करते हैं तो टेलर टीचिंग करते हैं।